नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं प्रदीप शर्मा और इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के परेल पूर्व इलाके टाटा हॉस्पिटल के बाहर, जहां पर आज टाटा हॉस्पिटल के लोग जो है कुछ लोग रिटायर हो रहे हैं, कार्य मुक्त हो रहे हैं, तो कुछ लोगों को जो है प्रशासन से कई शिकायतें हैं, कई डिमांड है, जिसको लेकर ये लोग आज यहाँ पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किए थे, जिसमें तमाम बातों पर इन लोगों ने चर्चा की और अपनी अपनी बातों को रखने का पूरा प्रयास किया इस मीटिंग के जरिए। और हमारे साथ भी इस मुंबई की आवाज़ में ये लोग जुड़ेंगे और इन लोगों से हम जानेंगे कि क्या कुछ डिमांड है और किस तरह से जो आज कार्य मुक्त हुए हैं उनका जो कार्यकाल था किस तरह से चला। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम ये टाटा हॉस्पिटल के जो है कामगार लोग हैं उनसे जानेंगे और उनसे संगठन के लोगों से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जुड़ेंगे विनोद जैन जी से। विनोद जी, जानना चाहेंगे कि आज टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के बाहर आप लोगों ने एक मीटिंग रखी है, क्या कुछ उद्देश्य रहा इस मीटिंग का? हमारा उद्देश्य रहा कि एक तो हमारा रामचंद्र पड़वाल जो हमारा एकदम खास साथी था 40 साल से यहाँ पे, जिसके लिए मैं कह सकता हूँ तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, जहाँ मैं तेरी तस्वीर लिए घूमता हूँ, उस चीज़ को इन्होंने आज जो यहाँ के वर्करों का भी उन्होंने इतना भला किया हमारे साथ मिलके, दूसरे यूनियन के साथ, पहले मेरे साथ यूनियन में थे, बाद में और दूसरों के यूनियन में गए हैं, तो उन्होंने जिस तरह हम लोग ने यहाँ काम किया, वर्करों का काम किया, आज यहाँ पर क्या है टाटा हॉस्पिटल में। अभी आपको मैं रिसेंटली एक चीज़ बताता हूँ, हमारे नए CEO आए हैं मिस्टर राव, उन्होंने 120 सिक्योरिटी गार्ड को रखा है, किस हिसाब से रखा है पता नहीं है, प्राइवेट करके रख दिया उनको, कहाँ से हुआ क्या हुआ, उनके पास में तुरंत ही गाड़ी घोड़े सब आ रहे हैं क्या जा रहे हैं, ये मैं अपने अंदाज से बता रहा हूँ, मैं किसी के कहे हुए से नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने अंदाज से बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है ये टाटा में। मैंने पहले भी फ्रॉड बहुत खोले हैं लेकिन आज तक उनका कुछ भी नहीं हुआ है। टाटा हॉस्पिटल मतलब ये टाटा हॉस्पिटल डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंडर में है, हमारे राष्ट्रपति जी के अंडर में है, BRC के अंडर में है, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ यहाँ देख कुछ कोई देखता नहीं है। एक तरफ लेबर को देखा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक तरफ देखा जाता है BMC है, क्या है ये? एक इक्वल करो, सबको मिला के चलो, सब कुछ करो, मेरा यही कहना है। सबको मिला के चलो, सब कुछ करते चलो, लोगों के हित में काम करो। आपको बता दें कि टाटा हॉस्पिटल देश का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, जहां पर देश के कोने कोने से लोग यहां पर अपने इलाज के लिए आते हैं। और यही अगर नहीं है, इस हॉस्पिटल में जो है कांग्रेस के दिवंगत नेता सुनील दत्त का भी योगदान रहा है, क्योंकि उनकी पत्नी नरगिस दत्त को भी कैंसर था, जिसके बाद उन्होंने कैंसर को लेकर एक मुहिम सी छेड़ दी थी और टाटा हॉस्पिटल में भी उनका काफ़ी योगदान रहा है बनाने में। और जिस तरीके से आज टाटा हॉस्पिटल के ये तमाम कामगार, ये जो लोग हैं यूनियन के लोग हैं, वो आज यहाँ पर आए हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे विनोद जी ने कहा कि यहाँ पर कई ऐसी जो है बातें इन्होंने खोलने का दावा किया है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किस तरह से मैनेजमेंट काम करता है? नहीं, ये मैनेजमेंट एक टिपिकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काम करता है, लेकिन यहाँ मजदूरों में बहुत सारे संगठन हैं। आज जो प्रोग्राम हुई मुंबई लेबर यूनियन की ओर से, उनके जो यहाँ के नेता हैं रामचंद्र पड़वाल, उनका रिटायरमेंट के उसके ऊपर फेलिसिटेशन का प्रोग्राम रखा, बहुत सारे इश्यूज है। जैसा इन्होंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की है और म्यूनसिपल BMC के सेवा शर्त दे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही सेवा शर्त होना चाहिए, ये कायदा है, लेकिन हर आदमी आता है CEO बन के और अपना कानून लगाने लगता है और उसमें अपने हाथ धो के जाता है, लेकिन मजदूर यहाँ 30-35 साल काम करने के बाद उसको सेवा शर्त, उनका हक का जो सेवा शर्त है वो उनको मिल नहीं पा रहा, तो इसलिए हम चाहते हैं कि सब सारे एक हो जावे, तब जाकर ये सब बीमारियाँ अपने आप ही ठीक होगी, वरना जैसे कैंसर है वैसे ये कैंसर बढ़ती रहेगी। बिल्कुल, अगर सारे मजदूर यूनियन एक साथ आएंगे तो शायद मजदूरों का भला होगा, क्योंकि पिछले 30 सालों से ये मजदूर यहाँ पर काम करते हैं। और अब सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल का जो सर्वे सर्वा होता है वो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है, जिसके हाथ में ये पूरा टाटा हॉस्पिटल होता है। वहीं जिस तरीके से सेवा दल की अगर हम बात करें, सेवा कर्मचारियों की बात करें जो यहाँ लगातार काम करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज प्रशासन यहाँ पर जो है काम करता है, आपसे जानना चाहेंगे कि पड़वलकर साहब, आज आप
कार्य मुक्त भी हो रहे हैं। कितने सालों से यहाँ पर काम करते थे और किस तरह से ये कार्यकाल रहा? मैं 1893 से काम कर रहा हूँ। 93 से इधर काम करने समय जो हम लोग को रूल रेगुलेशन रखा था, लेबर आवर सुपर स्टाफ, ये दो कैटेगरी हम लोग का कहने का मतलब मैनेजमेंट के साथ ये है कि कोई भी एक कैटेगरी में स्टाफ सब रखो। अभी साहब हम लोग रिटायर होने के बाद मेडिकल जो फैसिलिटी है वो हम लोग को कुछ नहीं मिलती है, और जो हमारा जो कार्ड बनता है वो भारत सरकार के अंडर में आता है। ये जरा कार्ड रखूँगा, भारत सरकार अंडर में आता है। ये जो कार्ड है, ये कार्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसा ही लेबर स्टाफ की भी कार्ड दिया जाता है, लेबर स्टाफ के लिए भी वही कार्ड दिया जाता है। अरे सर कार्ड वो बीएमसी अंडर में पेमेंट दे रहा है, उसका भी बीएमसी अंडर में पेमेंट दे रहा है। तो हम लोग का कहने का मतलब क्या है, ये जो कार्ड बनता है, पंचिंग कार्ड बनता है, आय कार्ड बनता है, वो एक ही कैटेगरी का है, एक ही रूल का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो बीएमसी का रूल से पेमेंट क्यों दे रहा है? हम लोग रिटायर होने के बाद हम लोग को मेडिकल फैसिलिटी कुछ नहीं मिलती है। हम लोग रिटायर होने के बाद जो हमको तनख्वाह मिलती है वो बीमार होने के बाद वो हमको सब ये करना पड़ेगा, बीमारी के लिए खर्चा करना पड़ेगा। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो काम करता है उनको तनख्वाह मिलती है, वो ये उसका कार्ड है, इसको पेमेंट मिलता है बीएमसी का रूल से। ये सबका कार्ड बीएमसी का रूल का में ऐसा ही कार्ड है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्ड का वो भी ऐसा ही है। तो हम लोग का यूनियन का कहने का मतलब है कोई भी एक ही रूल रेगुलेशन लगाओ, पेमेंट एक ही साथ में दो। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता है उन लोग को बाबा अनुशक्ति केंद्र इसका हिसाब से 20% का हिसाब रहता है वो मिलता है, पोखरण का पैसा है वो मिलता है, और फोर क्लास स्टाफ को वो नहीं मिलता है। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट पद्धति इधर लागू किया है कॉन्ट्रैक्ट, अभी हम लोग अभी ये टाइम में 10 आदमी लोग रिटायरमेंट है, 10 आदमी के जगह पे 10 आदमी भरना मांगता है काम करने के लिए, वो लोग भरेगा नहीं। तो जो हॉस्पिटल है पहला 10,000-20,000 पेशेंट था, अभी 40,000 पेशेंट है, 40,000 का पेशेंट से हिसाब से स्टाफ भरना मांगता है वो नहीं होता है। वो टाइम में 3,500 कामगार था लेबर स्टाफ, अभी 1,000 के अंदर है, कैसा काम हैंडल करेगा? और जो कॉन्ट्रैक्ट पद्धति लागू किया है, कॉन्ट्रैक्ट में समझो आप गेट पे कवर वॉचमैन खड़ा किया है, कॉन्ट्रैक्ट जो पेशेंट यहाँ से आते हैं पूरा भारत भर यूपी बिहार ये सब से जाता है, तो उन लोगों को कैसा मालूम है ये कॉन्ट्रैक्ट वाले आदमी को वॉचमैन को कि कौन सा डिपार्टमेंट किधर है, फाइल किधर बनाया जाता है, उनको सब पूछना पड़ता है। इसके लिए परमानेंट वॉचमैन उधर चाहिए जिनको मालूम है, कोई भी बाहर से आदमी आके पूछेंगे ये डिपार्टमेंट कहाँ है, फाइल कहाँ बनती है, तो कॉन्ट्रैक्ट वाला आदमी मालूम नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में आदमी रख के पेशेंट को सर्विस बराबर की दिया नहीं जाती है। जो परमानेंट स्टाफ होने से जो सर्विस पेशेंट को दिया जाता था वो कॉन्ट्रैक्ट में आदमियों को इसको सर्विस बराबर नहीं दिया जाता है। ये हॉस्पिटल है, ये हम लोग का यूनियन का कहने का मतलब है। मैनेजमेंट हमको बोलता है कि पेशेंट के बारे में आप लोग बात नहीं करना, कामगार लोग के बारे में बात करो। विनोद जी, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि बीएमसी के रूल से कुछ एम्प्लॉयों को, कर्मचारियों को बीएमसी के रूल से पेमेंट मिलता है, कुछ एम्प्लॉयों को सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी आप लोगों की जो डिमांड है वो ये होनी चाहिए कि सबको समान दर्जा दिया जाए। आप कुछ जो है खोल उजागर करने की बात कर। बता रहा हूँ मैं, जैसे हम किसी कोई चीज को केस करेंगे हाईकोर्ट में गए या सुप्रीम कोर्ट में गए तो ये लोग पहले बोल देंगे हम तो टाटा टीएमसी है, टाटा ट्रस्ट है, बाद में बोल देंगे सेंट्रल है हम, इस तरह ये केस को ख़त्म कर दिया जाता है। दूसरी बात, जो जिस तरह आपने बताया बीएमसी का और इनका, बीएमसी के पद्धति के हिसाब से जो वर्कर्स हैं यहाँ पे उनको बहुत लो पगार है। जैसे हमारे पड़वल जी हैं आज रिटायर्ड हुए, उनको क्या फंड मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को क्या फंड मिलता है? तीसरी चीज़ ये है जो इनको बिल्कुल मेडिकल नहीं मिलता, क्यों नहीं दिया जाता मेडिकल यहाँ पे, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या म्यूनसिपालिटी हो हर जगह इनको फैसिलिटी, जो हॉस्पिटल कर्मचारी होते हैं उनको फैसिलिटी दी जाती है मेडिकल की, उनके परिवार को दी जाती है, इनको दी जाती है, लेकिन इनको नहीं दिया जाता है। और यहाँ पे 30-30 साल हो जाने के बावजूद भी आदमियों को परमानेंट नहीं किया जाता, टेम्पररी रखा जाता है। क्यों?
अभी क्या कुछ डिमांड है और अगर डिमांड नहीं मानी जाती है तो कामगार संगठन किस तरह से आगे कार्रवाई करेगा? डिमांड तो हम लोग ने ऑलरेडी रखी हुई है इनके पास में, अभी मैं आपको जाफरी सर के पास मिला के आया हूँ, रखा हुआ है सीओ के पास में, डिमांड है हमारी। यदि नहीं करेंगे तो देखा जाएगा, क्यों हम लोग अब स्ट्राइक कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10,000 के ऊपर पेशेंट है, हम लोग स्ट्राइक नहीं कर सकते, हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। बिल्कुल, हम इनकी डिमांड को लेकर जो है हॉस्पिटल प्रशासन से भी बात करेंगे, हॉस्पिटल का भी पक्ष रखने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है दोनों तरफ की जो है बैलेंस न्यूज करके चलाना, क्योंकि हमें दोनों पक्ष रखने की बाहे हम हॉस्पिटल प्रशासन से पूरी कोशिश करेंगे, उनसे भी जुड़ेंगे कि उनका क्या कहना है उन तमाम लोगों के। लेकिन उससे पहले जो और भी यहाँ पर कर्मचारी हैं उन लोगों से जुड़ेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से विनोद जी और आपके जो पूर्व अध्यक्ष थे कामगार के, उन्होंने बताया कि यहाँ पर समानता का अभाव देखा गया है, आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ तो पहली बात है, टाटा में समानता तो नहीं है। अभी हमारे रिकॉर्डनर यूनियन के प्रेसिडेंट बता के गए कि सिर्फ अभी जो बड़ी डिमांड है वो जो क्वार्टर्स है मुलुंड के 300 लोगों को अचानक, यानी कि कुछ पता भी नहीं, और सभी 300 के 300 कमरे में लेटर भेजे गए कि आप लोग सभी लोग है ना ये बिल्डिंग खाली कर दो, वहाँ पे 16 बिल्डिंग ही है। अब वो आदमी ने क्या किया, जैसा किया है ना, जो उन्होंने उनके बच्चे के लिए अभी कोई 8, 9, 10, 11 ऐसा जिसने ना डोनेशन दिया है, और अचानक वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग यहाँ ना क्वार्टर्स छोड़ के चले जाइए, उसके अलावा पीछे से वही क्वार्टर्स में उन लोग का करोड़ों रुपये का काम चालू है, इसका रूम रिवेन्यूशन करो, उसका रूम रिवेन्यूशन, उसमें का कोई भी प्रेसिडेंट है, हमारे यूनियन के प्रेसिडेंट है अलग अलग यूनियन के, वो बोल रहे हैं ये क्या ऐसा अचानक कैसा हुआ, अभी सब लोग है ना भाग रहे हैं कि इसको ये मतलब कैसा सुलझाएंगे ये घर का प्रॉब्लम, ये घर का बार में ना सभी 300 के 300 के रूम में जो औरतें लोग है वो बोल रहे हैं अरे हमारे पास तो अभी रूम नहीं, जिसके पास है 300 में से मैं पूछ रहा हूँ कि खाली 50 लोगों के पास है ना रूम रहेगा, लेकिन 250 लोगों का क्या करेंगे। अच्छा उनके लिए एक बड़ी जगह भी है बीआरसी में, ऐसा भी नहीं किया कि हम लोग बाबा बीआरसी में 300 लोगों के लिए कमरे लिए या कहाँ तो ऐसे 200 के लिए कमरे लिए और फिर आप लोग छोड़ के जाइए, तो ये बराबर नहीं किया है मैनेजमेंट में, ऐसा मेरे पता अनलीगल ये भेजा हुआ है लेटर है, और कोई भी हमारे डायरेक्टर हो या चीफ ए हो कोई भी होने दो, वो कोई भी पता नहीं, हमें पता नहीं, हमें पता नहीं, हमें पता नहीं, तो वो 300 लोगों को कैसा लेटर दे दिए गया। बिल्कुल, कामगार को जो रूम दिया जाता है उसको भी खाली करने के लिए इन लोगों ने जो है लेटर भेज दिया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लगातार चर्चा जारी रहेगी मुंबई की आवाज़ में। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।